हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स प्राची पब्लिकेशन. इट इज़ चैप्टर नंबर 11, टाइम एंड कैलेंडर, एक्सरसाइज 11.7. एक्सरसाइज 11.7 सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है. व्हाट इज़ लीप ईयर? हाउ कैन वी चेक अ ईयर इज़ अ लीप ईयर और नॉट? तो सबसे पहले मैं आपको लीप ईयर की डेफिनेशन बता देती हूँ. द ईयर डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड अ लीप ईयर. फॉर एग्जाम्पल, द ईयर्स 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 आर द लीप ईयर्स. एग्जामिन दैट ईच ऑफ दीज ईयर्स इज डिविजिबल बाय 4. यानी अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल होता है तो उसे हम लीप ईयर कहेंगे. इन अ लीप ईयर फेब्रवरी हैज 29 डेज, अदर 11 मंथ्स हैव 30 और 31 डेज. ऑल्सो देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. जो लीप ईयर होता है उसमें फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, बाकी सारे 11 मंथ्स में या तो 30 डेज होंगे या 31, लेकिन फेब्रवरी में कितने डेज होंगे? 29. और नॉर्मली फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज. तो इस तरह से लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366. ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी ईयर लीप ईयर नहीं होते हैं, जैसे 1993, 1994, 1995 एंड सो ऑन. ये ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और ऑर्डिनरी ईयर में फेब्रवरी जो होता है वो 28 डेज का होगा और अदर 11 मंथ जो होंगे 30-31 डेज के होते हैं. इस तरह से जो ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें कितने डेज होंगे? 365 डेज. यहाँ पर हमें 2010 का एक कैलेंडर गिवन है. इसमें आप देखिए फेब्रवरी जो है 28 डेज है, यानी ये लीप ईयर नहीं है. 2010 क्या लीप ईयर नहीं है. आप 2010 को 4 से डिवाइड करके देखिए, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा. इस कैलेंडर को यूज़ करके हमें एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन द फेब्रवरी ऑफ अ लीप ईयर. अभी मैंने आपको बताया कि जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर का जो फेब्रवरी होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 29 डेज. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर्स. अब ये काफी सारे ईयर्स हमें यहाँ दिए हैं, इन्हें हमें चेक करना है ये लीप ईयर है या नहीं है. मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. 1972, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको इसको 4 से डिवाइड करना है. 1972 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ज़्यादा हो जाएगा तो हम लेंगे 4 4 16. 9 - 6 कितना मिल रहा है? 3. डाउन करेंगे हम 7. 4 9 36, सब्ट्रैक्ट किया 7 - 6 1, 3 - 3 0. अब हम डाउन करेंगे 2. 4 3 12. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से डिविजिबल हो चुका है, कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा है. सो 1972 इज अ लीप ईयर. ठीक है, तो इस तरह से हमें डिवाइड करके चेक करना है 4 से. अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर होता है, और अगर डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर कोई रिमाइंडर आता है हमारे पास, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. इसका एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ. 4 5 20, 0 0. अब 2 0s इनको डाउन करेंगे, 4 0 0, अगेन 1 0 और इसे डाउन किया हमने, फिर 4 0 0. इस तरह से आप देख रहे हैं आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है. इसका मतलब है कि 2000 इज अ लीप ईयर. ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है किसी भी ईयर को लीप ईयर है या नहीं. चेक करने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे. अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, और अगर नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है. अब आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है इन्हें 4 से डिवाइड करके चेक करते जाइए. 1986, 1980, 1994, 1992, 2007, 1998, 1964, 2002, 2006 एंड 2004. इनको आपको चेक करना है बाय 4. अगर आपके पास कोई रिमाइंडर नहीं आता है तो आप आंसर लिखेंगे यस इट इज़ अ लीप ईयर, और अगर आपके पास कोई रिमाइंडर आता है तो आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ लीप ईयर.
अब हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2010 एंड राइट द डेज करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डेट्स. हमें 2010 का कैलेंडर जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, उस कैलेंडर को देखना है और उस कैलेंडर को देखकर हमें बताना है कि यहाँ जो डेट्स दिए हैं इनमें कौन सा डे आ रहा है. तो देखिए, थ्री फोर्थ मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. थर्ड अप्रैल को कौन सा डे आ रहा है हम कैलेंडर में देखते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फोर्थ मंथ अप्रैल और थर्ड अप्रैल को कौन सा डे है? ये डे है सैटरडे. तो यहाँ आंसर में आप क्या लिखेंगे? सैटरडे. नेक्स्ट डेट हमें पता करनी है सेवेंथ मंथ होता है जुलाई, यानी 11 जुलाई को कौन सा डे है? देखिए, जुलाई में 11 को है संडे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? संडे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31st, फिफ्थ मंथ होता है मई, 31st मई. ये आपके सामने मई मंथ है, मई मंथ में 31st यहाँ दिखाई दे रहा है और 31st पे आप देखिए कौन सा डे आ रहा है? एम मीन्स मंडे. ठीक है, 31st को कौन सा डे हो रहा है? मंडे. तो यहाँ हम लिखेंगे मंडे. इस तरह से हमें कैलेंडर में ये डेज देखना है. 15 नवंबर को कौन सा डे है, 28 जनवरी को कौन सा डे है, 21 दिसंबर को कौन सा डे है, 19th मार्च को कौन सा डे है, 10th ऑफ अक्टूबर को कौन सा डे है और 30th अगस्त को कौन सा डे है. आपको ये कैलेंडर से देख के यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, जिस तरह से मैंने आपको ABC का आंसर बताया है. क्वेश्चन नंबर फोर इज, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 16 अप्रैल 2010 टू 7th जुलाई 2010? 16 अप्रैल टू 7th जुलाई. ओके, तो यहाँ हम 16 अप्रैल से काउंट करेंगे कहाँ तक? 7th ऑफ जुलाई तक. ठीक है, तो टू मंथ्स तो हमारे पास, हम सारे मंथ में कितने कितने डेज हैं इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं. देखिए, अप्रैल में हमारे पास कितने डेज आ रहे हैं? 16 से अगर हम काउंट करें, 16 अप्रैल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. यहाँ हमें कितने डेज मिल रहे हैं? 15. मई में टोटल कितने डेज हैं? 31 डेज हैं मई में. जून में टोटल कितने डेज हैं? 30 डेज हैं जून में. और जुलाई के हमें कितने डेज लेने हैं? 7 डेज लेने हैं. अब इसका एडिशन करते हैं हम, इनका नॉर्मल एडिशन करते हैं हम. अप्रैल के डेज लिखते हैं, अप्रैल में कितने डेज आ रहे हैं हमारे पास? 15, मई 31, जून 30 डेज और जुलाई में है हमारे पास 7 डेज. तो टोटल कितने डेज हुए हमारे पास? 5 + 1 = 6, 6 + 7 = 13, कैरी ऑन 1, 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, यानी 83 डेज हमारे हैं टोटल 16 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई के बीच. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 28 अगस्त से 25 नवंबर के बीच में नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं हमारे पास? तो इसी तरह से पहले हम काउंट करते हैं, अगस्त में हमारे पास कितने डेज है? 1, 2, 3, 4 डेज अगस्त में आ रहे हैं. सितंबर में हमारे पास टोटल है 30 डेज, अक्टूबर में हमारे पास टोटल है 31 डेज और नवंबर में हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज. अब इसे हम टोटल कर लेते हैं. अगस्त 4 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज एंड नवंबर 6 डेज. एडिशन किया, 4 + 1 = 5, 5 + 6 = 11, कैरी ऑन 1, 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7. टोटल हमारा आंसर आ रहा है 71 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द ईयर 2008 इज ए लीप ईयर और नॉट. लीप ईयर चेक करने के लिए हमें 2008 को 4 से डिवाइड करना होगा.
2008 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 फाइव ज़ार 20, 0 0 डाउन किया 0, 4 0 ज़ार 0 डाउन करेंगे 8, 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस 8 0। ये पूरी तरह से डिविजिबल है और हमें पता है कि जो लीप ईयर होता है वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। इट मींस यस 2008 इज अ लीप ईयर। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपनी CW में सॉल्व करना है। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, नेम टू कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स इन अ ईयर हैविंग 31 डेज ईच। हमें ऐसे दो मंथ बताने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। मैं आपको 2010 का कैलेंडर शो कर रही हूँ जिसमें आप इजीली देख सकते हैं। देखिए ये 2010 का कैलेंडर है हमारे सामने और आप देख रहे हैं क्लियरली जुलाई में भी हमारे पास 31 डेज है और अगस्त में भी हमारे पास 31 डेज है। यानी टू कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स कौन से हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, जुलाई एंड अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर में आप क्या लिखेंगे, जुलाई एंड अगस्त। इस तरह से यहां पर आपकी जो एक्सरसाइज 11.7 है ये पूरी कंप्लीट हो रही है।